चोपला स्थित बीएसएनएल एक्सचेंज से करोड़ों के उपकरण चोरी के मामले में बीएसएनएल के अधिकारी फंस गए हैं। यही वजह है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अब बीएसएनएल के अधिकारी जांच में पुलिस का सहयोग करने से कतरा रहे हैं। 17 मार्च को बीएसएनएल की डिविजनल इंजीनियर मनोरमा सिंह ने कोतवाली में चोपला बीएसएनएल ऑफिस के उपखंड अधिकारी अभिषेक जायसवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि एक्सचेंज उनकी देखरेख में था। वहां से 2.29600,000 के 165 कार्ड गायब हो गए हैं। मुकदमे की विवेचना बिहारीपुर चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह को सौंपी गई। जितेंद्र सिंह जब एक्सचेंज पहुंचे तो वहां ताला बंद मिला। उनके कई बार प्रयास करने और बातचीत के बावजूद भी बीएसएनएल के किसी अधिकारी ने विवेचना में सहयोग नहीं किया, उन्हें दस्तावेज और बयान नहीं दिए। कोतवाली के जांच अधिकारी चौकी इंचार्ज बिहारीपुर जितेंद्र सिंह ने इस मामले में बीएसएनएल महाप्रबंधक ऑफिस को चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि चोपला एक्सचेंज के अधिकारी पुलिस की विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद बीएसएनएल ऑफिस में खलबली मच गई। बीएसएनएल के महाप्रबंधक पंकज पोरवाल ने बताया कि इस मामले में विभागीय जांच कराई जा रही है। संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि वो पुलिस की जांच में सहयोग करें। इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग चल रही है। चोपला एक्सचेंज से करीब 400 से 500 कार्ड गायब बताए जा रहे हैं, जब वहां ताला लगा रहा। बाहर सिक्योरिटी का पहरा रहा, इसके बावजूद चोरी कैसे हो गई? विभागीय सूत्रों का कहना है कि कार्ड करीब 400 से 500 के आसपास गायब हुए हैं। एक ईडब्ल्यूएसडी कार्ड की विभागीय कीमत 8.70 लाख रुपए है। विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक करीब 45.50 करोड़ के कार्ड व अन्य सामान चोपला एक्सचेंज से गायब हुआ है। इसमें कई अधिकारी फंस गए हैं, इस वजह से पुलिस की जांच का सामना करने से बच रहे हैं।